शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। हेलो, हाँ आपने डॉक्टर ने कह देना कि अपॉइंटमेंट कैंसिल कराया पद्मा ने, क्योंकि गांव के बाहर जा रही है। तूने उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, हमारे मर्जी के खिलाफ जाने की तारी इतनी हिम्मत? कुंवर साहब, आपके खिलाफ जाने की बात तक ना आई थी हमारे दिमाग में। मैं तो अपनी मां बनने की चाह के लिए उस डॉक्टर से मिलना चाह रही थी। आप ना बनना चाहो क्या? चलो उस डॉक्टर की रिपोर्ट देख के मैंने तारे से कहा था कि तू कभी मां ना बन सके, नहीं बन सके। अरे को मारी बात पर विश्वास ना है? आपकी बात पर मेरे को विश्वास कहीं नहीं होगा। मैं जिस तरह वो डॉक्टर ने मारे से कहा था कि मैं मां बन सकूं, ऐसा कैसे हो गया कि उसने मारे से कह दिया कि ना मैं मां बन सकूं ना आप। ये रिपोर्ट आपकी, आप बच्चा पैदा करने में असक्षम हैं। मैं इसी वास्ते उस डॉक्टर से मिलना चाह रही कि ऐसी बात उसने कैसे कह दी, और इसी वास्ते मैंने अपॉइंटमेंट ली थी। कुंवर साहब, एक बार मुझे उससे मिल लेने दो। बकवास बंद कर। यहाँ का हर पेड़ फल ना देवे, कुछ काटे भी देवे, और तू भी हमारी जिंदगी में कांटे भी करने वास्ते आई है। हाँ, ये बात जितनी जल्दी तू स्वीकार कर लेना थरले अच्छा है कि तू बांझ है, बांझ, समझ गई ना? ना कुंवर साहब, ना मैं अपने मातृत्व पर इतना बड़ा लांछन लेकर ना जी सकूं। और जे मैं आपकी कांटे वाली बात मान भी लूं, तो ये कभी मत भूलना कि कांटे वाले पौधे को भी फूल आते हैं। रेगिस्तान और बंजर भूमि में भी कुदरत के करिश्मे दिखाई दे हैं कुंवर साहब, पानी के चश्मे और उन्हीं कांटे वाले पौधों से फूल भी उगे। मैं तो फिर भी एक इंसान हूं कुंवर साहब, मारे को वो कांटे भी मंजूर है, पर अपने माथे पर एक बांझ होने का लांछन लेकर मैं जी सकूं? अरे चुप, थारे अस्वीकार करने से थारी कमजोरी ताकत ना बन जाएगी। ये बात मान ले कि तू बांझ है, कि तू बांझ है। अरे थारे को तो मारा एहसान मानना चाहिए कि थारी इस कमजोरी के साथ भी मैं थारे को हथे झेल रहा हूं। ना दीप सिंह जी, मैंने आपसे ब्याह इस वास्ते ना किया कि आपको मारे को झेलना पड़े। आपको मारे को झेलने की कोई जरूरत ना है। मैंने तो सिर्फ एक संपूर्ण परिवार का सपना देखा, और जे आपके कहे अनुसार कमी मारे में निकली और ये डॉक्टर मारा इलाज ना कर पाया, तो मैं कसम खाऊं दीप सिंह जी कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढकर अपना इलाज करवाऊंगी, और उस इलाज के लिए आपको पैसे खर्च करने की कोई जरूरत ना पड़ेगी। ना दूंगी आपको तकलीफ में, क्योंकि मैं अपने मायके की इकलौती औलाद हूं। थोड़ी तो तू ये कहने की कोशिश कर रही है कि मैं थारे से झूठ बोल रहा हूं? मैं ना कुंवर साहब, मैं ये ना कह रही हूं कि आप झूठे हो। मैं तो सिर्फ आपको बाप बनने का मान सम्मान देने की कोशिश कर रही हूँ। हमारी समझ में ये ना आ रहा है कि भाई इस कोशिश से आपको इतनी तकलीफ काहे है? तकलीफ है क्योंकि थारी ये कोशिश का कोई फल नहीं मिलने वाला थारे को। एक बात कहानी समझ लेती कि तू बांझ है, बांझ है तू। मैं बांझ ना हूँ, मैं बांझ। अगर तू बांझ ना है तो शादी कितने साल की किया तूने? हाँ, क्या किया? कट्टे गई थी थारी मर्द तू, कट्टे गई थी। मैंने थारा रिपोर्ट खुद देखा था और रिपोर्ट में लिखा था कि तू बांझ है, पर तू बांझ ना है। इसलिए नाराज हो कुंवर साहब कि मैं माँ ना बन सकूं।
क्या क्या आप बाप ना बन सको? क्या बोला तूने कि मैं बाप ना बन सकूं? मैं बाप ना बन सकूं? जी आप में पिता बनने की चाह होती तो आप इस तरह से अपनी बिंदनी पर हाथ ना उठाते। औलाद की खातिर तो लोग अपनी बिंदनी को सर आंखों पर रखे और ये देखने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत ना है कुंवर साहब। एक औरत पर हाथ उठाने वाला इंसान मर्द ना हो सके। सिर्फ एक ना मर्द किलाए। तूने मरने ना मत कहा। मरने के कहा तूने? आज मैं थारे को दिखाता हूं कि मर्द कौन है। आज मैं थारे को बताता हूं कि मैं मर्द कि ना मर्द हूं। अब आप जाकर आराम करो। रसाल, अगर कभी हमारे से जीवन में कोई गलती हो जावे तो तुम्हारे को माफ करेगी ना? माफ? हमारी जीजी कभी कोई गलती कर ही ना सके, फिर माफी किस बात की? गलती तो भगवान से भी हो जाया करे, तो फिर भी इंसान ही ना। जी जी, भगवान से कभी कोई गलती ना होवे। जी जी, जो भी हुए है वो सबकी भलाई वास्ते हुए। बचपन से आज तक आपके हाथों भगवान की मूर्ति बनते देखती आई हूँ। साची जी जी, आज लग गया है कि आपके रूप में मैं भगवान की सूरत ही देख रही हूँ। अपने जीवन में इतना बड़ा स्थान है, ऐसा ना हो कभी थारे को पछताना पड़ जाए। जी जी, हमारी खुशी वास्ते आपने अपनी कोख हमारे को देने को वचन दियो, तो मैं आपको गलत नजरिए से कैसे देख सकूं? जी जी, आप ये सब बातें छोड़ो, हम बस जाकर आराम करो। हारे को पद्मा जी ने डॉक्टर के पास ले जाना। हे माताजी महाराज, मैं सारी सच्चाई जानते हुए भी कुछ बोल ना सकूं हूं, और मारी बहन अनजान होकर भी अपने मन की सच्चाई मारे से बोल जाती है। माताजी महाराज, हम दोनों की सच्चाई की लाज रखना अब सिर्फ आपके हाथ में है। जी, आप तैयार हो गई ना? 5 बजे की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। पद्मा जी जी, अरे उठ, क्या रोना धोना कर रही है तू? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया थारे साथ जो एक बींद को अपनी बींदनी के साथ नहीं करना चाहिए। जाके देखो रसाल ने क्या चाहिए।
कह दे उसे कि थारी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है। क्या पद्मा जी? जी अरे बोलना, वो दरवाजा पीट रही है। रसाल, आज मारी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, आज ना जाना है मत को। पर क्यों जी? जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप दरवाजा क्यों ना खोल रही हैं? अच्छा ठीक है, आप कल की अपॉइंटमेंट ले लेना, लेकिन दरवाजा तो खोलो। जी जी सुनाने पद्मा ने क्या कहा कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है और थारे को हमारी बीनड़ी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे किस हॉस्पिटल में ले जाना है और कब, हमारी जिम्मेदारी है। थारे को तकलीफ उठाने की जरूरत ना है। जा अपना काम कर जा। पद्मा जी जी ने लेके डॉक्टर के पास जाने वाली थी ना, वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। हरि को समझ ना आ रहा है कि दीप भाई सा कब आए। ये बात थारे और मारे बीच में रहनी चाहिए, इस चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गए ना? और आज के बाद ये मत करना कि मारे वजह से तुम मारना बन सके। जी, मैं अभी देख के आई हूँ। दीप भाई साहब सुमेर मामा के कमरे में शराब पी रहे। पद्मा जी जरूर अपने कमरे में अकेली होगी। हाँ तो चल, उनके वास्ते चाय नाश्ता भी बठे लेकर चलते हैं। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं। पद्मा जी जी पद्मा पद्मा जी 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 आपकी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी पद्मा जी 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 आंखें खोलो। जी जी पद्मा जी 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 आंखें खोलो। जी जी पद्मा जी जी आंखें खोलो। जी 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 बोलो रसल, आप अभी घर आ जाइए। दीप भाई साहब ने पद्मा जी के साथ Thank you.
में क्या छुटे? पागल तो आप हो गए भाई साहब। ठाकुर साहब, तुम्हारे पास उठाएगा, लेकिन मैंने किया क्या है? बोल। आप इंसान नहीं, जानवर है भाई साहब। कोई अपनी बिंदरी के साथ ऐसा व्यवहार करता है? ओ, तो उस बात मैंने थारे से शिकायत की है। देख छोटे, ये हमारी और हमारी बिंदरी का निजी मामला, थारे को इसमें बीच में दखल देने की जरूरत ना है। नहीं भाई साहब, ये आपका निजी मामला नहीं है, ये इस घर का मामला है, इस परिवार का मामला है। औरतों के साथ जोर जबरदस्ती करना हमारे खानदान की मान मर्यादा के खिलाफ है। आप कैसे इतनी बेरहमी से पीट सकते हैं भाभी साहब को, और उनकी मर्जी के खिलाफ आपने उनके साथ? जी, बहुत ही शर्मनाक हरकत की आज आपने, बहुत ही शर्मनाक। अरे देख छोटे, उस पद्मा ने हमारे को गुस्सा दिलाया और मैं नशे में था, इसलिए आपने उनके ऊपर हाथ उठा दिया। इस तरह बेरहमी से पीटेंगे उन्हें, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वारिस देने के लिए वो डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। आपकी शर्मनाक हरकत की वजह से आज भाभी साहब के सामने हम सबका सर नीचे झुक गया, सबका। और आप ये मत समझना कि आपकी इस भूल पर मैं पर्दा डाल दूंगा, या फिर भाभी साहब के साथ कोई है नहीं उनके लिए लड़ने वाला। आने दो सबको, कल आते ही सबके सामने तायासा से मैं ये बात कहूंगा, फिर तायासा फैसला करेंगे कि आपके साथ क्या करना है, आपकी ये गलती माफी के लायक है या नहीं। छोटे, जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं डालते। और तू क्या बताएगा घर वालों को? मैं घर वालों के सामने ऐसी चीज रख दूंगा ना कि थारी बोलती बंद हो जाएगी। अब जितने डायलॉग तुम्हारे सामने बोल रहे हैं ना, कल घर वालों के सामने बोल के दिखा, फिर देखो। वैसे ठहर, मैं थारे को थारा आईना दिखाने वास्ते कुछ लेके आता हूं। अट्ठे ठहर। फोन गैलरी में जाना और खुद ही देख लेना, और फिर बाद में शिकायत करना हमारी। देखने के बाद तारे होश न उड़ गए, हमारा नाम बिकू और दीप सिन्हा है, और सिद्दीक स्लिपिंग को फिर हमारे से आंखें मिला के बात कर, मैं भी देखूं किसकी गर्दन झुकती है शर्म से। ये ले, देख ले, देख ले,